दोस्तों, हर नाज़िम पे जो मुश्किल मरहला आता है, वक्त आता है, वो ये होता है कि जब उसको ख़ुद पढ़ना है तो उसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा। नाज़िम तो बाकी सबको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। बहरहाल, हमारे आज के नाज़िम और उर्दू के मशहूर शायर जनाब अतर शकील साहब को मैं दावत कलाम देता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से सामीन को महसूस करें। और अतर भाई की ए वी अब चला दी जाए। तहारत और पाकिजगी, सच्चाई और खूबसूरती, नज़ाकत और तंज, जमाल और जलाल का आईना। हमारे इस शायर का ताल्लुक भी सूबे यूपी के ज़िला बिजनौर से है। आप उस्ताद शायर जनाब निश्तर खानकाही के शागिर्द रहे और उनसे फन शायरी की हिकमत और बारीकियां सीखीं। बैंक की मुलाजमत रास ना आई और ख़ुद को कुल वक्ती शायरी के लिए वक्फ कर दिया। मुशायरों में कसरत से शिरकत के बावजूद अपने अदबी और इल्मी मियार और फ़नी बारीकियों को कायम रखा। कई मजमूए कलाम उर्दू और हिंदी जबानों में शाये हो चुके हैं, मगर तख्लीक का सफ़र हनूज जारी है। आपके कलाम में हक परस्ती, इरफान ज़ात, हिकमत और दानिश और ज़बान की सलासत और रवानी का खूबसूरत संगम मिलता है। गम जाना से आपका अदबी सफ़र शुरू होकर इस वक्त गम दौरा की जोलानियों में गोते खा रहा है, और यही खूबसूरत तवाज़ुन आपकी शायरी को दिलकश और पुरकशिश बनाता है। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जिस खलूस और मोहब्बत से शोरा हज़रात को नवाज रहे हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरे पास सिवाय आप लोगों की मैं कितनी तारीफ़ करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और साथ ही मैं कैसर खालिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इसे भी मैं इतना काम किया है कि मेरे जैसे नाहल की भी इतनी तारीफ लिख दी कि मुझे ख़ुद को शर्म आ रही हो। मेरे लिए मसला अब ये है कि मुझे क्या पढ़ के अपनी इज्जत बचानी चाहिए। बह के अल्लाह हो तो इज्जो मंतशा हो तो जिल्लो मंतशा। मैं हाजिर करता हूँ, अभी रफिया शबनम आब्दी साहिबा ने एक शेर पढ़ा कि हमारे बच्चे बदल रहे हैं, कम कपड़े पहन रहे हैं, गज़ा भी फीकी वगैरह वगैरह। मैं भी कल से साहिल समंदर पर, चूँकि कैसर भाई ने इंतज़ाम किया था ठहरने का, तो वहाँ के नज़ारे देख रहा था, जो बच्चों का हाल है आज। मैं हाजिर करता हूँ एक मतलब, उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं उसको पेश कर सकूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ कि तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियाँ, तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियाँ, आदमी बेजाबता है जाब्तों के दरमियाँ, तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियाँ, आदमी बेजाबता है जाब्तों के दरमियाँ, हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, रंग महरूमी का देखा राहतों के दरमियाँ, हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, रंग महरूमी का देखा राहतों के दरमियाँ। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएं, अब्दुल हस्सान साहिब जैसी शख्सियत ने तशरीफ़ फरमाएं और ख़ान शमीम साहिब जैसी, मुलाहिज़ा फरमाएं कि हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, रंग महरूमी का देखा राहतों के दरमियाँ, चाँद को छूने की ख्वाहिश नूर को चखने का शौक, चाँद को छूने की ख्वाहिश नूर को चखने का शौक, हम मिले हैं उनसे इन दो ख्वाहिशों के दरमियाँ, चाँद को छूने की ख्वाहिश, चाँद को छूने की ख्वाहिश नूर को चखने का शौक, हम मिले हैं उनसे इन दो ख्वाहिशों के दरमियाँ, और जेरे लब उस शोख ने मत पूछिए क्या कह दिया, जेरे लब उस शोख ने मत पूछिए क्या कह दिया, मेरी पलकें नम हुई हैं कहकहों के दरमियाँ, जेरे लब उस शोख ने मत पूछिए क्या कह दिया, मेरी पलकें नम हुई हैं कहकहों के दरमियाँ। और हज़रत दो तीन शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये इश्क़ नामुराद भी किस गुमराही में है, ये इश्क़ नामुराद भी किस गुमराही में है, खिड़की में जो कभी था वो चेहरा गली में है, ये इश्क़ नामुराद भी किस गुमराही में है, ये इश्क़ शुक्रिया, ये इश्क़ नामुराद भी किस गुमराही में है, खिड़की में जो कभी था
वो चेहरा गली में है, खिड़की में जो कभी था वो चेहरा गली में है। और ये शेर केसी श्रीवास्तव जी यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारी खुशबख्ती है कि हमारी दावत पर आगरा से तशरीफ लाए और हम उनका वो शायर शान तो इस्तकबाल नहीं कर सकते जो उनका काम है। मैं हाजिर करता हूँ ये शेर मुलायजा फरमाए उनके हवाले से कि खिड़की में जो कभी था वो चेहरा गली में है, जैसे हर एक अंग है आंखें लिए हुए। हजरत थोड़ा सा तवज्जो का तालिब है ये शेर मुलायजा फरमाए कि जैसे हर एक अंग है आंखें लिए हुए, क्या तुरफा एहतियात तेरी सादगी में है। जैसे हरे कंग है आंखें लिए हुए, क्या तुरफा एहतियात तेरी सादगी में है। और साथ ही हमारे अमीर अहमद एडवोकेट साहब भी चूंकि बहुत अच्छे शायर हैं, उनका भी इस्तकबाल हुआ है। मैं हाजिर करता हूँ ये शेर मुलायजा फरमाए कि क्या तुरफा एहतियात तेरी सादगी में है, हर सुबह छेड़ती हैं हवाओं की उंगलियां, हर सुबह छेड़ती हैं हवाओं की उंगलियां, पोशीदा एक फूल जो नन्ही कली में है। हर सुबह छेड़ती हैं हवाओं की उंगलियां, पोशीदा एक फूल जो नन्ही कली में है। और नाकामे जिंदगी हो कि नाकामे इश्क हो, नाकामे जिंदगी हो कि नाकामे इश्क हो, जीने की आरजू तो मेरी जान सभी में है। नाकामे इश्क हो, नाकामे जिंदगी हो कि नाकामे इश्क हो, जीने की आरजू तो मेरी जान सभी में है। और शेर मिर्ज़ा फरमाए के जरदारो हुक्मरान में इंसान का एहतराम, जरदारो हुक्मरान में इंसान का एहतराम, अगली सदी में था ना ये अब की सदी में है। अगर मैंने नून मिन लाम का इस्तेमाल किया, इरफान सिद्दीकी ने भी किया था और कहा था कि दो चार शेर में तो होना चाहिए। मिर्ज़ा फरमाए के जरदारो हुक्मरान में इंसान का एहतराम, अगली सदी में था न ये अब की सदी में है, और तुझसे बिछड़ के सबकी नज़र में रहेगा क्या। मुलायजा फरमाया आज़ाद ये शेर मैं कैसर खालिद साहब के हवाले से आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी पहचान एक हो चुकी है। मुलायजा फरमाए कि तुझसे बिछड़ के सबकी नज़र में रहेगा क्या, अब तक तो ये शकील तेरी रोशनी में है। तुझसे बिछड़ के सबकी नज़र में रहेगा क्या, अब तक तो ये शकील तेरी रोशनी में है। और जरा दो चार शेर और मुलाजा फरमाएं कि अब तमाशा कोई वादा नहीं रहने वाला, अब तमाशा कोई वादा नहीं रहने वाला, शाम गुजरी तो भरोसा नहीं रहने वाला। अब तमाशा कोई वादा नहीं रहने वाला, शाम गुजरी तो भरोसा नहीं रहने वाला। और ये शेर माजत के साथ पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं कि शाम गुजरी तो भरोसा नहीं रहने वाला, कादिर कुल इसे दुनिया में जरा भेज के देख, कादिर कुल इसे दुनिया में जरा भेज के देख, ये फरिश्ता भी फरिश्ता नहीं रहने वाला। दुनिया में जरा भेज के देख, कादिर कुल इसे दुनिया में जरा भेज के देख, ये फरिश्ता भी फरिश्ता नहीं रहने वाला। और शेर मुलायजा फरमाए मंसूर भाई यहाँ हमारे बड़े भाई तशरीफ फरमा है कि सानेहा उससे बिछड़ने का बड़ा है लेकिन, सानेहा उससे बिछड़ने का बड़ा है लेकिन, देर तक ये भी तो सदमा नहीं रहने वाला। सानेहा उससे बिछड़ने का बड़ा है लेकिन, देर तक ये भी तो सदमा नहीं रहने वाला। और आज बाजार की जद में है रहे रस्म वफा, आज बाजार की जद में है रहे रस्मों वफा, अब मोहब्बत में सलीका नहीं रहने वाला। आज बाजार की जद में है रहे रस्मों वफा, अब मोहब्बत में सलीका नहीं रहने वाला। और हजरत ये शेर भी मुलायजा फरमाने एक मतले के साथ के सोचना क्या रिश्ते नातों को के आखिर क्या हुआ, कुछ नया कहने की कोशिश की है। मुलायजा फरमाए अगर हो गया हो तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा कि सोचना क्या रिश्ते नातों को के आखिर क्या हुआ, हाथ भी मुंह तक नहीं आया जो बेलुक्मा हुआ। सोचना क्या रिश्ते नातों को के आखिर क्या हुआ, हाथ भी मुंह तक नहीं आया जो बेलुक्मा हुआ। और जानना चाहो तो देखो अपनी दुनिया का ये हाल, जानना चाहो तो देखो अपनी दुनिया का ये हाल, जुल्म अब जायज हुआ है झूठ अब सच्चा हुआ। जानना चाहो तो देखो अपनी दुनिया का ये हाल, झूठ अब जायज, जुल्म अब जायज हुआ है झूठ अब सच्चा हुआ। और आह उस बच्चे को क्या निस्बत खलाई दौर से, आह उस बच्चे को
क्या निस्बत खलाई दौर से बैलगाड़ी में पला जो खेत में पैदा हुआ। आह उस बच्चे को क्या निस्बत खलाई दौर से बैलगाड़ी में पला जो खेत में पैदा हुआ। और वो सियासी आदमी है उससे मत पूछो शकील, वो सियासी आदमी है उससे मत पूछो शकील, किसकी साजिश थी कि फिर बस्ती में हंगामा हुआ। वो सियासी आदमी है उससे मत पूछो शकील, किसकी साजिश थी कि फिर बस्ती में हंगामा हुआ। और बस आखिर में दो तीन शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। मुलायजा फरमाए, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मुलायजा फरमाए कि लड़कियों का घर से बाहर घूमना दूभर हुआ इस दौर का अलमिया। हालांकि मुझसे अच्छे तरीके से फैसल खालिद साहब ने कहा है, जो अभी आपने अभी में मुलाजा भी फरमाया था, लेकिन मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की थी, बाद में मुझे ख्याल आया कि वो इस मफहूम को मुझसे बेहतर कह चुके हैं, तो मतलब बराए मतलब मुलाजा फरमा लें। ये लड़कियों का घर से बाहर घूमना दूभर हुआ, आदमी में कैद था जो जानवर बाहर हुआ। लड़कियों का घर से बाहर, अभी आसफा का जिक्र किया शबनम ईशाई साहिबा ने, और भी रोजाना के वाकयात हैं जो टीवी पर अखबार में और खबरों की जीनत बन रहे हैं। ये लड़कियों का घर से बाहर घूमना दूभर हुआ, आदमी में कैद था जो जानवर बाहर हुआ। सर पे छत तो है मगर साया नहीं विश्वास का, सर पे छत तो है मगर साया नहीं विश्वास का। दश्त में बेघर था मैं अब शहर में बेघर हुआ, सर पे छत तो है मगर साया नहीं विश्वास का, सर पे छत तो है मगर साया नहीं विश्वास का। दश्त में बेघर तो बेघर था मैं अब शहर में बेघर हुआ। और रूठ जाने का तेरे सदमा था कल तक बेहिसाब, रूठ जाने का तेरे सदमा था कल तक बेहिसाब, लेकिन अब ये सोचता हूं जो हुआ बेहतर हुआ। रूठ जाने का तेरे सदमा था कल तक बेहिसाब, लेकिन अब ये सोचता हूं जो हुआ बेहतर हुआ। और एक शेर और, खास तौर से मैं समझता हूं कि ये आपको पसंद आएगा, और मेरे मैं समझता हूं कि ये हर शहर का तकरीबन अलमिया बनता जा रहा है। मुलायजा फरमाए कि जितने खुशकामत थे वो सब हो गए गोशा नशीन, जितने खुशकामत थे वो सब हो गए गोशा नशीन। एक बौना शहर के बौनों में कदावर हुआ, जितने खुशकामत थे वो सब हो गए गोशा नशीन, जितने खुशकामत थे वो सब हो गए गोशा नशीन। एक बौना शहर के बौनों में कदावर हुआ, एक बौना शहर के बौनों में कदावर हुआ। और इस समाज का एक और अलमिया मुलायजा फरमाए कि यूं तो कुछ बदला नहीं दुनिया में लेकिन इस कदर, यूं तो कुछ बदला नहीं दुनिया में लेकिन इस कदर, फूल था जिस हाथ में उस हाथ में खंजर हुआ। यूं तो निजामुद्दीन राय साहब, ये आपके हवाले से शेर अर्ज करना चाहता हूं, मुलाजा फरमाए कि यूं तो कुछ बदला नहीं दुनिया में लेकिन इस कदर, फूल था जिस हाथ में उस हाथ में खंजर हुआ। और दिल में दर्द इश्क तक बाकी नहीं अथर शकील, दिल में दर्द इश्क तक बाकी नहीं अथर शकील, ढूंढते हो जिसको तुम वो आदमी पत्थर हुआ। दिल में दर्द इश्क तक बाकी नहीं अथर शकील, ढूंढते हो जिसको तुम वो आदमी पत्थर हुआ। और एक शेर के लिए कैसर खालिद साहब का भी मेरे लिए हुक्म था, वो सुना के मैं हट रहा हूँ, इजाजत देता हूँ। मुलाजा फरमाए, वो भी इस दौर का अलमिया है कि हस्ती का हर हिसाब है जांचा हुआ बहुत, खास तौर से मुलाजा फरमाए कि हस्ती का हर हिसाब है जांचा हुआ बहुत, पाया हुआ कलील है खोया हुआ बहुत। हस्ती का हर हिसाब है जांचा हुआ बहुत, पाया हुआ कलील है खोया हुआ बहुत। और वो ये शेर मुलाजा फरमाए कि पैगामे खैर था जिसे शोरिश बना दिया, पैगामे खैर था जिसे शोरिश बना दिया, एक लफ्ज था जिहाद जो रुस्वा हुआ बहुत। पैगामे खैर था जिसे शोरिश बना दिया, पैगामे खैर था जिसे शोरिश बना दिया, एक लफ्ज था जिहाद जो रुस्वा हुआ बहुत। शुक्रिया।